नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी और हमारी खास पेशकश नगर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर लखनऊ के नगर पंचायत अमेठी पहुंची हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी एकता निगम के साथ सभी सभासद प्रत्याशी मौजूद है। वहीं हमारी टीम बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रत्याशी से जानेगी कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर उन्हें जनता चुनकर भेजती है तो वो जनता की कैसे सेवा करेंगी। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही लगातार प्राइम टीवी की टीम भी हर एक वार्ड में पहुंच रही है, हर एक वार्ड का पड़ताल कर रही है। इस दौरान नगर पंचायत अमेठी से भी हमारे साथ चेयरमैन पद की प्रत्याशी भी थोड़े समय में ही जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर उनके इतिहास पर एक नजर डालें तो समाज सेवी आनंद कुमार निगम की वो धर्मपत्नी भी है और जनता के बीच उनकी छवि भी काफी मजबूत है। तो वहीं हमारे साथ ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अमेठी वार्ड से आनंद कुमार निगम उर्फ अनु भैया और उनकी पत्नी। तो पहले मैं आप दोनों का बहुत बहुत प्राइम टीवी पर स्वागत करती हूं सर और मैम जी। तो जिस तरीके से अब निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप जनता के बीच जा रही हैं, तो आनंद कुमार जी मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे ताकि जनता आप पर विश्वास जताए। मैं आनंद कुमार निगम अमेठी नगर चुनाव से एकता निगम का पति। हमारे वहाँ शिक्षा की दिक्कत है, यहाँ पे कोई भी कॉलेज स्कूल वाई सारी कन्या विद्यालय कोई नहीं है और प्लस यहाँ पे वाइस नहीं आ रही है। जी क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से जनता के बीच पहुंच रही हैं, जनता को संबोधित कर रही हैं और जनता को अपने खेमे में लाने का भी प्रयास कर रही हैं ताकि वो जनता का ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल कर सके। तो ऐसे में लगातार जो प्राइम टीवी की हमारी टीम है वो हर वार्ड में पहुंच रही है, हर वार्ड की जांच पड़ताल कर रही है और वहां के क्षेत्र से वहां का हाल जानने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में लगातार हमारी जो टीम है वो भी जानने का प्रयास कर रही है। भी हमारे साथ भाजपा प्रत की प्रत्याशी एकता निगम भी थोड़े समय में हमारे साथ जुड़ेंगी। तो वही उनसे हमारा दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है, तो हम सीधा उनके पास चलते हैं। जी एकता जी, आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोगों के बीच समर्थन मांगने भी पहुंच रही होंगी और चाह रही होंगी कि जनता आपका भरपूर समर्थन करे। तो ऐसे में वहां के मुद्दे क्या है, वहां की जनता की परेशानियां क्या है जिसको लेकर के आप लोगों के बीच जा रही है और आप लोगों का समर्थन मांग रही है? यहाँ पे देखिए शिक्षा कन्या शिक्षा व्यवस्था की बहुत कमी है और फड़के काफ़ी मतलब तमाम जगहों पे अभी फड़के जो है काफ़ी जर्जर हैं और पानी की दिक्कतें भी हैं। और ठीक है, तो वही हमारे साथ आनंद कुमार निगम भी हैं जी, और रोजगार की समस्या भी है जी। तो आप इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और अगर आप जीत जाती हैं तो आप इन्हीं मुद्दों पर काम करेंगी, ठीक है? तो वहीं आनंद कुमार निगम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं उर्फ अनु भैया जी। जिस तरीके से आपकी जो धर्मपत्नी है वो इस वक्त चुनावी मैदान में है और जाहिर सी बात है कि आप भी प्रचार कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के बीच ज्यादा सक्रिय रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या है? हमारे वार्ड की जो प्रमुख समस्या है, जैसे कि यहाँ पे तालाब हो रहा है, गंदगी काफ़ी है। जो पुराना चेयरमैन था यहाँ पे कोई भी काम उसने ऐसा नहीं किया करने के सिवा, बाकी वो बैठ के 5 साल सिर्फ गद्दी ही तोड़े हैं। हम लोग का प्रयास है कि पब्लिक के बीच कोई भी कार जो भी जनता लेकर उसको पूरा ईमानदारी से निभाएं, ठीक है? एकता जी, आप एक महिला हैं तो जाहिर सी बात है कि आप महिलाओं की परेशानियों को बखूबी समझती होंगी, तो आप महिलाओं के कौन कौन से मुद्दे उठा रही हैं ताकि जो महिला जो मतदाता है वो आपके पक्ष में आए? महिलाओं के मुद्दे यही हैं, बिजली, आवास की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे,
थोड़ा भेदभाव भी हुआ है यहाँ पे, और पानी की व्यवस्था भी नहीं है, और जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये सब सभी घरों में अभी नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, एकता जी, अभी आपने जिक्र किया कि बहुत भेदभाव भी हुआ है और आप उस वार्ड की हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस भेदभाव के बारे में बखूबी जानती होंगी, तो वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी, भेदभाव तो बहुत हुआ है, क्योंकि यहाँ पुराने जो हैं चेयरमैन वो मुस्लिम थे, तो जिधर जाओ उधर यही बताते हैं कि मुस्लिमों की ज़्यादा सुनवाई हुई है, हिंदुओं को कोई हेल्प नहीं हो पाई है, क्योंकि हम तो हर वार्ड में जा रहे हैं, देख के आए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, आनंद कुमार जी, आप लोगों के बीच समर्थन मांगने पहुंच रहे हैं और आप लोगों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समर्थन दें, तो आपके हिसाब से जो महिलाएं हैं, अक्सर उनको कहा जाता है कि वो घरों में कहीं ना कहीं बंद होकर रह जा रही हैं, लेकिन आपने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। जी जी। नहीं, आने वाले समय में महिलाओं को जागरूक करना जरूरी है, ये आगे निकलेंगी तभी तो समस्याएं समझेंगी। ठीक है, समाज में इनको आगे बढ़ाना है, महिलाओं को घर में बांध के नहीं रखना चाहिए, कोई भी हो, चाहे हम हो या अन्यथा कोई भी। जाहिर सी बात है कि जब आप लोगों के बीच जा रहे होंगे तो आप अपनी जो धर्म पत्नी है उनके समर्थन में भी वोट जुटाने का बखूबी प्रयास कर रहे होंगे, तो कब आपको लगा कि आपको अपनी पत्नी को जो चुनावी मैदान में है उसमें उतारना चाहिए, या फिर जब आपने लोगों की समस्याएं देखी, उनकी समस्याओं को सुना, तब आपको लगा कि नहीं, आपको भी राजनीति में उतरना चाहिए या आपकी पत्नी को भी? जी, यहाँ अमेठी में नगर पंचायत में बहुत सी समस्याएं हैं, जिसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हम दोनों लोग को मौका दिया है, तो इसलिए हम लोग पार्टी के थ्रू ही नगर का विकास करने का संकल्प किए हैं कि दोनों लोग यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको दूर करके उसको पूरा करेंगे। ठीक है, एकता जी, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि आज के दौर में महिलाएं हर एक क्षेत्र में काम कर रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो जब आपको प्रत्याशी घोषित किया गया तो उस वक्त आपको कितना गौरव महसूस हुआ, खुद पर आपको कितना गर्व हुआ? जी बहुत ज़्यादा, जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अगर प्रत्याशी घोषित किया गया तो यहाँ के महिलाओं को समर्थन में बहुत अच्छा है, सबको सपोर्ट भी काफ़ी मिलेगा। ठीक है, आनंद जी, आपने अभी जिक्र किया कि आपके वार्ड में काफ़ी समय से काम नहीं हुआ है, गंदगियों का अंबार है, जर्जर सड़कें हैं, और कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं? यहाँ पे विकास के मामले में भी अभी तक 10 सालों से पिछले कहीं कुछ नहीं हो रहा, जो जैसा पड़ा था वैसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग की पूरी कोशिश है कि यहाँ पे रोड वगैरह परिवर्तन करें, जो तालाब हो रहा है उसका सौंदर्यीकरण करें, बाकी जो जनता की समस्या है उसको दूर करें। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार आप जुड़े हुए हैं। एकता जी, अगर आपको जनता का पूर्ण समर्थन मिलता है और आप अगर चुनावी मैदान में एक प्रचंड जीत हासिल करती हैं, तो आप इसका श्रेय किसको देंगी? जी, श्रेय तो यहाँ के जनता को ही होगा। और ठीक है एकता जी, जब आप राजनीति में आई तो क्या आपने पहले से जी एकता जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप राजनीति में उतरी तो क्या आपने शुरुआत से ही सोचा था कि आपको राजनीति में उतरना है, या फिर किसी ने आपको प्रेरित किया कि नहीं, आप इस क्षेत्र में अपना नाम कर सकती हैं? जी, यहाँ की जनता ने और हमारे हस्बैंड हैं अन्नू कुमार निगम, तो इन लोगों ने ही हमको प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप यानी कि जनता से कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं से प्रभावित होकर फिर आपने सोचा कि आप जनता की सहयोग के लिए जो है अपना जीवन कहीं ना कहीं समर्पित करेंगी? जी जी, बिल्कुल जी। आनंद कुमार जी, यहाँ चेयरमैन प्रत्याशी निकलने के बाद जी एकता जी बताइए। जी एकता जी, चेयरमैन प्रत्याशी निकलने के बाद यहाँ पे हर गलियों में, हर वार्ड में हर समस्या पूरी की जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ आनंद कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद कुमार जी, जब आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और जब आप वहाँ का विकास नहीं देखते हैं, तो आपको कितना खलता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उसी जगह पे पले हैं, बड़े हैं, वहीं पे आपका पूरा बचपन गुजरा है। जी, बहुत तकलीफ होती है, हम भी, मेरा भी घर यहीं पे है, बचपन से निकलते हैं, जो भी वार्ड जहाँ गंदगी कुछ मिलता तो हृदय में पीड़ा होती है, इसी वजह से मैंने पार्टी का सम्मान रखते हुए अपनी मैडम को उतारा कि यहाँ एक एक गलियाँ
एक मोहल्ला सब स्वच्छ करें, सारी रोड का विकास करें, सब कुछ संपूर्ण अमेठी में जो भी अभी तक जुड़े तालाब वगैरह हैं सौंदर्यीकरण वगैरह करा कर संपूर्ण अमेठी को सुंदर बनाएं, हमारा एक छोटा सा ही प्रयास है। ठीक है, आप जाहिर सी बात है कि आपको भाजपा से टिकट मिली है, तो आप योगी सरकार की जो नीतियां हैं या जो केंद्र की तरफ से जो नीतियां जो चलाई जा रही हैं उससे कितना प्रभावित हुए हैं? उससे हम बहुत प्रभावित हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जितने भी यहाँ जनता है उसको केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री आवास मिले हैं हमारे वार्ड में, पूरे अमेठी में। बाकी हम लोग का लक्ष्य है 2024 में तक कोई भी एक मकान न बचे जहाँ कॉलोनी ना मिले, सबकी छत पक्की होनी चाहिए, सब घर में नल वगैरह हर चीज़ पहुँचाने की जिम्मेदारी हम दोनों लोग की है। हमारे वार्ड के जितने भी सभासद मेरे साथ बैठे हुए हैं इन सब की भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि अपने वार्ड की जो भी समस्याएं हैं हम लोगों तक लाएं और हम उसका संपूर्ण समाधान करें ताकि हर एक जनता, हर एक पब्लिक संपूर्णतः संतुष्ट रहे हम लोग से। ठीक है एकता जी, यूँ तो हमने देखा है कि आपको भाजपा से टिकट मिल गया है और भाजपा अक्सर ये बात करती है कि उनकी जो कार्यकाल है उसमें जो महिलाएं हैं सुरक्षित हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी काम किया जा रहा है, तो आप क्या जो योगी सरकार है उनके काम को देखकर इस हद तक प्रभावित हुई कि आपने भाजपा ज्वाइन की और वही भाजपा ने आपको आज टिकट भी दी है? जी जी बिल्कुल, मोदी जी ने, हमारे माननीय मोदी जी ने घर घर बहुत औरतों को बहुत लाभ पहुंचाया है और जैसे पानी बिजली घर सब कुछ हर समस्या दूर की है, इसी वजह से हमने प्रभावित होके ये। ठीक है ठीक है एकता जी, अब ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ठीक है एकता जी, जब भी कोई किसी फील्ड में अपना नाम कमाता है चाहे वो राजनीति हो या चाहे वो एक्टिंग हो, तो उसका कोई ना कोई एक प्रेरणा का स्रोत जरूर होता है, तो जब आप राजनीति में आई तो आपका जो प्रेरणा स्रोत है वो कौन था? आप किससे प्रभावित हुई जब आपने सोचा कि आपको राजनीति में आना है? ठीक है आनंद कुमार जी, माननीय योगी जी से ही प्रभावित हुए हैं। ठीक है और आनंद जी, अगर मैं आपकी तरफ यही सवाल दोबारा से पूछूं कि आप किससे ज्यादा प्रभावित हुए, क्या आपने सोचा कि नहीं आपको राजनीति में आना है और आप राजनीति में आकर के ही देश के लिए या अपने वार्ड के लिए या प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं? जी आनंद जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मिशन पे ही हम लोग भी प्रभावित हैं कि कोई ना कोई तो आएगा ही जो जनता के विकास में आगे बढ़ेगा, यही सोच के हम लोग आए हैं और विकास करने के उद्देश्य से ही आए हैं, ना कि कोई और सोच। ठीक है आनंद जी, आप कितने समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और कौन कौन सी नीतियों ने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया, क्या आपने सोचा कि नहीं आपको भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही उसका सदस्य बनकर ही जनता के बीच जाना है और जनता का समर्थन हासिल करना है? हमारी पार्टी जनता के बीच सारी चीजें दे रही है, प्रधानमंत्री आवास प्लस सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है उसी के मूल पे ही हम लोग चल के सारा काम कर रहे हैं और हर एक चीज़ की व्यवस्था अपने वार्ड में, अपने नगर में करने की हम लोग की जिम्मेदारी है, उसको हम पूर्णतः निभाते रहेंगे। ठीक है, आगामी कुछ दिनों में काफ़ी भीषण गर्मी आने वाली है और गर्मी की लगातार हम अभी से ही तस्वीरें देख रहे हैं, तो ऐसे में गर्मी को लेकर आप अपने वार्ड में क्या कुछ तैयारियाँ करेंगे? जी पानी वगैरह की व्यवस्था, कूलर वगैरह की, जहाँ पे हम लोग पंचायत जहाँ भी बैठक करेंगे हर चीज़ की व्यवस्था है और हर जगह नलकूप वगैरह लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी हमारे वार्डों में नल वगैरह खराब है उसको भी सही करवा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं जब से हम लोग आए हैं। ठीक है एकता निगम जी, जैसे कि मैंने अभी आपके पति से सवाल किया कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो महिलाओं को होती है, क्योंकि बिजली चली जाना, साफ पानी नहीं आना या पानी की कमी हो जाना, तो ऐसे में आप महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे इस गर्मी में? जी महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था पूरी की जाएगी, पूरा ध्यान दिया जा रहा है इस मुद्दे पे, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है घर घर में, काफ़ी नई बोरिंग भी कराई जा रही है, नई बोरिंग भी हम लोग करा रहे हैं अपने टाउन के थ्रू। ठीक है विधायक जी का इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। ठीक है
आनंद जी, आप लगातार ये दावे कर रहे हैं कि अगर आप चुनाव जीते हैं तो आप, जाहिर सी बात है कि जनता के पक्ष में काम कराएंगे, लेकिन अभी अगर हम वार्ड की तस्वीरें अगर शब्दों के जरिए आपसे पूछना चाहे तो आप अपने वार्ड को किस तरीके से दिखाएंगे अपने शब्दों के जरिए? एक मिनट भाई साहब, जी आनंद जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारे प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ जुड़े, अमेठी वार्ड के प्रत्याशी जो है हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने साफ तौर पर ये दावा किया है कि अगर जनता का समर्थन उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और अगर जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिलता है तो वो अपने वार्ड का विकास करेंगे, क्योंकि उनके वार्ड में जर्जर सड़कें हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, नालियाँ भी ढंग से नहीं हैं, और साथ ही साथ शिक्षा उनका प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि ये वही मुद्दा है जिससे देश का विकास होता है, जिससे देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। तो अगर वो इस वार्ड से जीते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जनता के पक्ष में अपना काम करने की कोशिश करेंगे। तो अमेठी वार्ड से हमारे साथ प्रत्याशी एकता जुड़ी हुई थी और उनके साथ आनंद कुमार निगम भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। हम उनसे उनके वार्ड की तस्वीरों को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इतने सालों से उनके वार्ड में विकास हुआ है या नहीं, और अगर विकास नहीं हुआ है तो विकास नहीं होने की प्रमुख वजह क्या है। तो हमें यही देखने को मिला कि जो दावेदार है, जो प्रत्याशी है, वो चुनाव के टाइम पे तो उनके घर पे पहुंचते हैं, उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं और जनता का समर्थन मांगते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाते हैं, उसके बाद से कोई भी जो जनता का प्रतिनिधि है ना तो वो उनके बीच पहुंचता है, ना तो वो उनके विकास के मुद्दों को ही उठाता है, और फिर जैसे 5 साल बाद चुनाव आता है, वही प्रत्याशी या वही विजेता जिसको उन्होंने पिछले चुनाव में जिताया होता है वो दोबारा उनसे वोट मांगने पहुंचता है, लेकिन विकास के नाम पर उनके वार्ड का विकास तक नहीं करता है। तो एक बार फिर से एकता जी और आनंद कुमार निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो जनता से समर्थन मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनु भैया एकता निगम, अनु भैया एकता निगम, अनु भैया एकता निगम, जिंदाबाद। ठीक है, तो आनंद जी और एकता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी, क्या आप दोनों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आनंद जी, क्या आप तक पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। आप पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। एकता निगम जिंदाबाद, एकता निगम जिंदाबाद, अन्नू भैया जिंदाबाद, अन्नू भैया जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद। तो प्रत्याशी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। जी आनंद कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो लोगों में कितना उत्साह है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनका भी समर्थन कहीं ना कहीं इनको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस वार्ड के लोगों की प्रमुख समस्याएं जो है वो क्या है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वो जनता के बीच पहुंच रही है, जनता के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो वही अमेठी वार्ड से हमारे साथ भाजपा से प्रत्याशी एकता जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, वही आनंद कुमार निगम उर्फ अन्नू भैया वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, और वो बखूबी बयां कर रहे थे कि कितने सालों से उनके वार्ड का विकास नहीं हुआ या जनता विकास से कैसे अछूती रह गई, वो इसकी तस्वीरें लेख शब्दों के जरिए बयां करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तस्वीरें तो वो इस वक्त हमको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों देखा हाल वो हम तक बखूबी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एकता जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आनंद कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, ठीक है। आनंद जी, अब निकाय चुनाव में महज बहुत कम दिन का समय बचा है और आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से संपर्क जो है अपना साथ मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का साथ आपको मिले, तो ऐसे में अब लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे आप? हम लोग लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हम लोग को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि 5 साल हम दोनों लोग पूरे नगर की अच्छे से अच्छे व्यवस्था करें और सेवा करें, जिताने का कष्ट हैं जिता के हम आपके बीच फिर से आए, ताकि हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए।
जी तो आप जिता के लाए और अपना भारी मत तो से विजयी बनाओ घर से, कृपया करके सभी लोग जाएं वोट देने अपने घर से निकल के। ठीक है एकता जी, अब आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? जी हमारी अपील यही है कि घर 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 की महिलाएं घर से निकल के सभी महिलाएं हम लोग को वोट दें, वोट जरूर दें, एक बार हमको विजयी बनाए अमेठी से, ताकि हम 5 साल तक आप सबकी सेवा व्यवस्था सब कर सकें। धन्यवाद। ठीक है तो धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और वार्ड की तमाम समस्याओं को जनता के सामने उजागर करने के लिए आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ नगर निगम अमेठी से प्रत्याशी जुड़े हुए थे एकता निगम और उनके पति आनंद कुमार निगम उर्फ अन्नू भैया, जो लगातार हम तक ये पहुंचा रहे थे कि वहाँ के वार्ड की समस्या क्या है, वहाँ की जो जनता है किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रही है। ठीक है तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो अमेठी वार्ड के प्रत्याशी हैं उनकी पत्नी और खुद समाज सेवी आनंद कुमार निगम हमारे साथ जुड़े रहे और उन्होंने हमें बताया कि जनता की प्रमुख समस्याएं क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है आनंद कुमार निगम एक लंबे अरसे से समाज सेवी रहे हैं, ऐसे में अब वो राजनीति में भी आ गए हैं, राजनीति में अब वो जनता की सेवा करना चाहते हैं और उन्होंने जनता से साफ तौर पर यह अपील की है। एकता निगम उनकी पत्नी के साथ आनंद कुमार निगम ने भी हमारे सभी दर्शकों के साथ अपने वार्ड की जनता से ये अपील की है कि अगर जनता उन्हें वोट देकर विजयी बनाती है या जनता अगर उनके सर पर जीत का ताज पहनाती है तो वो जनता के हित में काम करेंगे, जनता के मुद्दों पर काम करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। तो नगर संग्राम के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।